चार्ली, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। आज तू सेनापति जी से नहीं बचेगा। चोर नहीं, शातिर चोर हूँ मैं, और चिंगा और चमन मुझे यहाँ से जरूर निकालेंगे। चुटकी, ओ चुटकी, उठ जा बेटा, सुबह हो गई है, स्कूल नहीं जाना क्या? क्या माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना। अरे उठ जा बेटा। आज हमारे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। क्यों ना थोड़ी देर आराम कर ले। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। बहुत थक गया। अकेले अकेले। लीजिए उस्ताद, आप भी लीजिए। थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, वैसे भी बाकी सब है ना संभालने के लिए। भीम अकेले ही संभाल लेगा। क्यों, अब तो मानते हो ना कि ढोलकपुर के बच्चे पहलवानपुर के बच्चों से ज्यादा ताकतवर हैं? होशियार, सेनापति लाल सिंह पधार रहे हैं। हम ऐलान करते हैं कि चार्ली चोर को लालपुर में 40 चोरियों की सजा मिलेगी। दुष्ट सेनापति, छोड़ दो बेचारे चार्ली को। है? कौन हो तुम? मन्नू मस्किटियर, चार्ली का दोस्त और लालपुर का हीरो। मन्नू मस्किटियर, छोड़ना नहीं इस दुष्ट सेनापति को। मन्नू मस्किटियर लालपुर को इस दुष्ट सेनापति से बचाएगा। हाँ, जय हो, जय हो, मन्नू मस्किटियर हमारा हीरो। लालपुर के डाकू मन्नू मस्किटियर को पकड़ने पर इनाम? मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम जानते हैं कीचक, लेकिन कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो तो हमें लालपुर जाकर ही पता चलेगा। चलो कीचक, वरना मनु किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। इतने सारे सिपाही किसे पकड़ने जा रहे हैं? कीचक, हमें मन्नू मस्केटियर के पास यही सेना ले जाएगी। चलो। चिंगा? मन्नू मस्केटियर? मन्नू मस्केटियर, तुम्हारी कहानी खत्म, समझो। मन्नू उस्ताद, वो मैं। कौन हो तुम सब? ये लालपुर का अपराधी है, चोरों का दोस्त है ये। नहीं, ये बोटकपुर का मन्नू है। मन्नू बेवकूफ लड़के, चमन चिंगा और चार्ली कोई बेचारे नहीं है, लालपुर के सबसे बड़े चोर हैं। कोई हमारे दोस्त को बेवकूफ नहीं बनाता। चलो, वो तीनों चोर ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। सेनापति जी, आज्ञा दीजिए। जाओ भीम, हमें तुम पर विश्वास है, जाओ। मन्नू मस्किटियर। गलत, मन्नू मस्किटियर और उसके दोस्त। बेवकूफ,
बच्चे हमें चुनौती देने आ गए। हट जाओ हमारे रास्ते से। भीम! हाँ? सिर्फ बच्चा नहीं हूँ, मन्नू मस्किटियर हूँ। बांसुरी वाला ही ले गया होगा। फिक्र मत कीजिए मौसी, हम सब मिलकर उस अनोखे चोर को जरूर पकड़ेंगे। मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे सारे सेवर, मेरे सारे सेवर ले गया, मेरे सारे कपड़े ले गया। बताइए चाचा क्या हुआ? वो बांसुरी वाला ये सब कर कैसे रहा है? मुझे लगता है ये उस बांसुरी के कारण है। इस अनोखे बांसुरी वाले से तो मिलना ही पड़ेगा। यहाँ आओ।